हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा जोशी है। मुझे इस साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रैंक 19 प्राप्त हुआ है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज में। एसए के लिए जो मैंने किया था उसमें यही था कि जो आपके जो भी कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनके आप कुछ वन पेजर्स तैयार कर लें। मैंने वो टॉपिक्स अनुदीप दुरी शेट्टी सर का जो ब्लॉग है वहाँ से उनको डाउनलोड किया था और उन्होंने अपना एक हैंड रिटन PDF भी शेयर किया है, तो आई यूज्ड दैट एज़ वेल। तो उस तरीके से मैंने वो जो PDF में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे उन टॉपिक्स के मैंने या तो कुछ कॉमन कोट्स बाय एनी फेमस पर्सनालिटी या फिर उससे रिलेटेड कोई एनेक्डोट। अगर आपको एनेक्डोट कलेक्ट करना है वो आपका कोई पर्सनल स्टोरी हो सकता है जो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जानते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस का हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप थ्रू न्यूज़पेपर्स जो भी पढ़ते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स पे सुनते हैं, उस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन को आप उस एनेक्डोट में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि लास्ट टाइम था कि ओलंपिक्स चल रहे थे, पैरालंपिक्स में काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज थी, तो उस तरीके की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो वैसी कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपने एनेक्डोट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एथिक्स में मैंने जो मटेरियल यूज़ किया था एज माय स्टैटिक सोर्स वो अतुल गर्ग सर के क्लास नोट्स थे, तो फॉर द डेफिनेशंस पार्ट मैंने वो रेफ़र किया था, बट आई डिड नॉट फॉलो द नोट्स थ्रू आउट। मैंने उसमें अपने पर्सनलाइज चेंजेस कुछ इनकॉर्पोरेट करे। फॉर एग्जांपल जो भी डेफिनेशंस रहती हैं वो मैंने वहाँ से यूज़ करी, बट जो उसका एग्जांपल था वो मैंने खुद का बनाने की कोशिश करी। वो एग्जांपल या तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड था या फिर अगर आपने कहीं से किसी चैनल पे कुछ सुना है, कोई न्यूज़ में आपको इन्फॉर्मेशन है, तो उस तरीके का कुछ आप एग्जांपल पुट अप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो आप एक क्विक गूगल सर्च करें तो आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम्पल डेफिनेटली मिल जाएगा। मुझे लगता है इसमें ये एडवांटेज होता है कि इफ़ एवरीबडी इज़ रीडिंग द सेम नोट्स एंड यूजिंग द सेम एग्जाम्पल्स, तो वो एग्जामिनर जो है, इट इज़ पॉसिबल कि 10 बच्चों का जिनने सेम एग्जाम्पल लिखा है वो सेम कॉपी एक पर्सन के पास आए, तो अगर आपका एग्जाम्पल डिफरेंट होगा तो वो इंटरेस्टिंग बनाएगा एग्जामिनर के लिए। करंट अफेयर्स जो पोर्शन है उसके लिए आप मैंने दो न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया था, सो आई फॉलोड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो आप जो भी न्यूज़ आ रही है उसको एक डायरी मेंटेन कर लें और उस पर 4 to 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ दैट डे उसको नोट करते रहें ऑन अ डेली बेसिस। और अगर कोई ऐसा इशू चल रहा है जिस पे आपको लगता है कि एक ओपिनियन डेवलप करने की ज़रूरत है तो उसके बारे में एक अपना ओपिनियन बना लें एंड बी रेडी विद द आंसर कि किस तरीके से आंसर चल उसका डिलीवर किया जा सकता है। सो दैट वुड बी वन इम्पॉर्टेंट थिंग। एक और चीज़, देर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप एवरी ईयर दैट कम्स अप जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप प्लीज़ कुछ इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स को देखें और वहाँ से समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पर्सन का बैकग्राउंड कैसा था और उससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं।